भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने 262 रन बनाए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 113 रन पर सिमट गई और भारत के सामने 115 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने इसे तीसरे दिन ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रविंद्र जडेजा ने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खतरनाक गेंदबाजी की। पहली पारी में 3 विकेट लेने वाले स्पिनर ने दूसरी पारी में 7 विकेट अपने नाम किए और इसी शानदार प्रदर्शन के लिए जडेजा को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। जडेजा ने नागपुर टेस्ट में भी कोहराम मचाया था, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। पिछले 21 साल में पहली बार टेस्ट में ऐसा हुआ है जब किसी गेंदबाज ने एक पारी में 5 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया हो। पिछली बार 2002 में शोएब अख्तर ने ऐसा किया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को बाकी 2 मैच में 1 जीत की जरूरत है और टीम इंडिया जून में लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आएंगे केएल राहुल। दिल्ली टेस्ट मैच के बाद जब कोच राहुल द्रविड़ से केएल राहुल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन उन्हें सपोर्ट करता रहेगा। द्रविड़ ने कहा, हमें केएल राहुल पर पूरा भरोसा है, ऐसा सबके साथ होता है। जिस दौर से वो गुजर रहे हैं उससे सभी बल्लेबाज गुजरते हैं, हमें उसका सपोर्ट करते रहना होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित की कप्तानी की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के फूड पार्सल वीडियो को लेकर भी बड़ा खुलासा किया, जो दिल्ली टेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। द्रविड़ ने खुलासा करते हुए कहा, उस पैकेट में छोले भटूरे नहीं थे बल्कि छोले कुलचे थे। टीम इंडिया की जीत के बाद WTC पॉइंट्स टेबल में हुआ बदलाव। फाइनल के करीब पहुंचा भारत, ऑस्ट्रेलिया को नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिली जीत के बाद भारत का जीत प्रतिशत 64.06 हो गया है और टीम इंडिया इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर बनी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का जीत प्रतिशत 66.67% है और वो टॉप पर कायम है। दिल्ली टेस्ट की दूसरी इनिंग में 7 रन बनाते ही कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। कोहली सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने 549वीं इनिंग में ये उपलब्धि हासिल की। कोहली ने इस उपलब्धि के साथ ही सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने 577 पारियों में ये कारनामा किया था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने भी ऋषभ पंत को याद करते हुए एक इमोशनल मैसेज शेयर किया है। गावस्कर ने मैच के दौरान कहा, ऑस्ट्रेलिया बहुत खुशकिस्मत है कि ऋषभ पंत टीम में नहीं है। सुन रहे हैं ऋषभ, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाइए। केएल राहुल के फ्लॉप प्रदर्शन पर फिर फूटा वेंकटेश प्रसाद का गुस्सा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में केएल राहुल 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इतने ज्यादा प्रतिभा वाले देश में ऐसे रिकॉर्ड के बावजूद टीम मैनेजमेंट इन्हें टेस्ट में दूसरा सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाज मान रहा है, ये काफी हैरान करने वाला है। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत का सामना आयरलैंड से 21 फरवरी को होगा, जो उसके लिए करो या मरो की तरह होगा, क्योंकि कोई भी गलती उन्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी। हालांकि ग्रुप 2 में आयरलैंड को अभी तक किसी भी मुकाबले में जीत नसीब नहीं हुई है, लेकिन वार्म अप मैच में आयरलैंड इकलौती टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। सानिया मिर्जा 20 फरवरी से शुरू हो रहे दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आखिरी बार अपने पेशेवर करियर में दावेदारी पेश करती नजर आएंगी। आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस स्टेडियम में होगा। सानिया मिर्जा WTA वर्ल्ड रैंकिंग के सिंगल राउंड में 23वें स्थान पर मौजूद हैं। USA की मेडिसिन कीज के साथ टीम बनाकर इस साल के पहले इवेंट में वे अपनी चुनौती पेश करेंगी। घाना के स्टार फुटबॉलर क्रिश्चियन आत्सू के तुर्की में आए भूकंप में गई जान। 12 दिन बाद मलबे से निकला उनका शव। क्रिश्चियन के मैनेजर मुरात ने इस बात की पुष्टि की। 31 साल के खिलाड़ी न्यूकैसल और चेल्सी क्लब के सदस्य रहे हैं। उनकी एजेंट नाना सेचरी ने कहा है कि हम भारी मन से ये बात कह रहे हैं कि आत्सू का शव मलबे से मिला है।